बिल्कुल रोहित जी, देखिए ऐसा है कि जनता क्या चाहती है और जनाधार किसका है ये सब जानते हैं। हमारी 283 सीटें आई थी, AIMIM एक सीट से आज तक आगे नहीं बढ़ी, और वो इनकी सांप्रदायिक राजनीति, दंगा और पंगा लेने की राजनीति है, इसलिए आगे नहीं बढ़ी। मैं इनको कहना चाहता हूं, ये अभी सर्वोच्च न्यायालय और संविधान की बात कर रहे थे, क्यों कहा 29 अक्टूबर 2018 को असदुद्दीन ओवैसी ने कि आप बीजेपी को मैं चुनौती देता हूं, इनको चुप करा दीजिए। प्लीज मैं रोहित जी को चुप कराएंगे तो मैं अपनी बात रखूंगा। गौरव जल्दी पूरा कीजिए, आप रखिए, ये इनकी आदत है, चुप हो गए वो, बोलिए। हाँ प्लीज, 29 अक्टूबर 2018 को असदुद्दीन ओवैसी अगर सर्वोच्च न्यायालय का इतना ही सम्मान करते हैं, क्यों चुनौती दे रहे थे भाजपा को कि अध्यादेश लाइए? अगर ये संविधान का इतना सम्मान करते हैं तो क्यों ट्रिपल तलाक जजमेंट में इन्होंने आलोचना करी सर्वोच्च न्यायालय की? एक बात स्पष्ट है कि जब मुस्लिम समाज आज भी चलन दे रहा करेगा, सोमनाथ मंदिर आपके पास नंबर है, देखिए घबराहट पहली निशानी है रोहित जी, कि जो दूसरा प्रवक्ता है वो भयभीत होके चिल्लाने लगे, बीच बीच में बोलने लगे, और मैं अपने समय में चुप रहा, अब मैं बोलना चाहता हूं तो ये बोलने नहीं देते हैं, ये गलत तरीका है रोहित जी। मैं एक बात कहूंगा फिर अंत करूंगा कि सोमनाथ मंदिर को क्यों तोड़ा महमूद गजनी ने, क्यों औरंगजेब ने गिराया जो पुनर्निर्माण हुआ, अयोध्या में बाबर ने जो है वहां मंदिर था उसको तोड़ा, काशी विश्वनाथ में औरंगजेब ने तोड़ा, तो ये जो आक्रांताएं हैं इसको खत्म होना होगा। और मुस्लिम समाज को भी चाहिए कि अगर हिंदू समाज ने धैर्य दिखाया है वो भी बड़े दिल का परिचय दे और कहे कि हाँ, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, अगर जो मंदिर बहुत सम्मान रखते हैं उनको पुनर्निर्माण। तीन का नारा लगाने लगे आप, एक सुल्टा दिए होते 5 साल में तो लोग उम्मीद भी करते आपसे थोड़ी सी ध्यान भटकाते एक तो सुलझाने बाटे जी, पूरा तो जनता ने साथ दे दिया आपका, बाबरी मस्जिद पे चर्चा है, आप सभी बोलने लगे। देखिए एक सेकेंड आप आवाज डाउन कर रहे हैं सब, क्या भाषण देने बैठे या डिबेट करने बैठे? एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। अरे छोड़िए आप, एक सेकंड, पान खाइए मर्दानगी आएगी, एक सेकंड कहा था गौरव भाटिया, प्लीज खाइए गौरव भाटिया, प्लीज इस तरह की उस पर मत ले जाइए गौरव भाटिया, इस तरह पे आप उनसे नहीं लड़ पाएंगे, आप इस बात को जान लीजिए। फिर गौरव भाटिया अगर ये पान खाने वाली बात पे आना है तो फिर आप उनके जैसी बातें नहीं कर पाएंगे, इस बात को याद रखिएगा फिर, क्योंकि उनका रोज का काम है, इस बात को जान लीजिए फिर, इसलिए बात कम से कम तथ्यों पे कीजिए, जिस मुद्दे पे करने आए उस पे कीजिए। रुक जाइए एक सेकंड, तो अच्छा रुकिए, आप दोनों को रोक रहे हैं, हमने जैसे मस्ती अपनी बात सर भाटिया जी, ये बातें पुरानी होगी, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट को तय करना है कि अकबरुद्दीन ओवैसी का क्या करना है। अच्छा ठीक है, आप दोनों की आवाज डाउन कर रहे हैं, थोड़ा आवाज डाउन कर रहे हैं आप लोग, रोहित जी भाटिया जी प्लीज, प्लीज रोहित जी समस्ती बोलिए, तस्लीम जी के पास फिर रोहित जी, अभी वारिस पठान ने भी कहा और तमाम लोग ये कहते रहे कि बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे से 282 तक आई। इस देश में लोकतंत्र है, इसका मतलब देश में लोकतंत्र में इस देश की जनता ने मंदिर के पक्ष में अपना आदेश दे दिया है, पहली बात तो ये मान ले। अब ये मुकदमा न्यायालय में जिस तरह से, अगर न्यायालय कुछ भी कहे, देश का सर्वोच्च संस्था, देश का लोकतंत्र है संसद है, संसद में अगर बहुमत दिया है राम मंदिर के मुद्दे पर, अभी इन्होंने कहा कि 282 तक पहुंचे, इस देश की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है मंदिर के पक्ष में, तो लोकतंत्र का दुहाई यह है, लोकतंत्र की अपेक्षा यह है कि जिस लोकतंत्र के माध्यम से इस देश की जनता ने अपना जनादेश दिया है, तस्लीम रहमानी और वारिस पठान, अगर लोकतंत्र में उनकी आस्था है, संविधान में आस्था है, तो उनको अपना ये केस वापस ले लेना चाहिए। देश की जनता को 2 करोड़ को रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे, वो तो ना साफ सवाल कुछ नहीं करेंगे। अरे मैं भाटिया जी से सवाल पूछ रहा हूँ, खान साहब के चीफ कह चुके कि उनको कोर्ट में आस्था नहीं है। अरे भैया आपने तो कह दिया ना कि देश 282 पे पहुंचे, इस देश ने अपना जनादेश मंदिर के पक्ष में दे दिया है, इसलिए आप अपना पक्ष वापस ले लीजिए। अगर आपको लोकतंत्र में आस्था है, इस देश की संसद में आस्था है, या तो कह दीजिए कि आपकी आस्था नहीं है, जो कि नहीं है आपकी। थोड़ा रुको, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है
ओके ओके आस्था नहीं है ओके आप बाहर क्यों नहीं आते ओके ओके मशवरा दे रहे हैं आप ओके थोड़ा सा रुकिए रहमानी साहब आलोक जी कुछ कह रहे हैं देखिए शायद कोर्ट का रहमानी साहब रहमानी साहब आलोक जी बोल रहे हैं और मुझे लगता है वो बोल नहीं पाएंगे अगर आप सब लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे और वो वारिस पठान की तरह तो बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे तो मुझे लगता है उनको सुन लेना चाहिए एक बार शांति से थोड़ा सा और स्वामी दीपांकर को भी क्या कहना चाहते हैं सबको सुनने के बाद बोलिए आलोक जी क्या कहना है मेरा निवेदन ये था लोकतंत्र में साथ में यदि अभी भाटिया जी ने भी क्या कहा कि हम अदालत का पूरी इज्जत करते हैं लेकिन शंका अदालत में भी क्या बन जाती है आप याद करिए उस समय में बाकायदा एफिडेविट देकर के शपथ पत्र देकर के सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था नहीं उस विवादास्पद इस पर कुछ नुकसान नहीं होगा उसके बाद ये हो गया इसी तरह से हमारे रहमानी जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं सब वो चाहते हैं कि वहां मस्जिद ही बन जाए तो ये तो उस तरह से हो गया ना कि आपको यदि अदालत का फैसला आने के बाद आप उसको मानेंगे ही नहीं असली समस्या ये अदालत का यदि मानना है तो अदालत को स्वीकार कर लीजिए लेकिन यदि ये कहना है कि अदालत का फैसला कुछ भी आएगा हम तो वहां पर यही बनाएंगे यदि वहां कह दिया जाता है कि ठीक है ये जमीन पहले जिस तरह की थी और वहां पर मंदिर बन सकता है या नहीं बन सकता है लेकिन कम से कम जमीन का हकदारी बन जाएगी लेकिन यदि कहेंगे नहीं मस्जिद ही हम तो वहीं बनाएंगे क्योंकि बाबर ने बनाई थी तब तो कुछ समस्या हल नहीं होगी और इसी तरह से उन संगठनों को भी या तो वहां 67 एकड़ जो जमीन दी गई थी आज तक उसका तो कोई विकास करने पे कोई कोशिश की नहीं गई भाटिया जी ये बताइए ना महन साहब तो 4 साल से आगे अभी भी 2 साल से आए अभी तक वहां बीजेपी ने भी कुछ काम ऐसा नहीं किया बल्कि समाजवादी को भी पहले करना था अब भी वहां बात होती है कि भाई जो इलाका मिला हुआ था जिसमें आप कुछ कर सकते थे उस क्षेत्र को अयोध्या को एक आस्था का केंद्र बनाने में दुनिया के लोग वहां पहुंचे और वहां के लोगों का भी भगवान क्या चाहता है लोगों का कल्याण चाहता है ना वहां की सड़कें तक आज तक भी बीच में दिखाया था आप सड़कें तक ठीक से नहीं बनाई जा सकी उसके लिए किसने रोका है ओके दीपांकर जी की बात बोली हाँ एक सेकंड गौरव जी जवाब दीजिएगा दीपांकर जी भी कुछ कहना चाहते हैं हो सकता है वो भी सवाल आप ही से पूछ रहे हैं बोले दीपांकर जी बेसिक क्या है कि सब सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं पिछले 15 मिनट से जितना मैं सुन रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट का कितना सम्मान है ये रफेल पर आपने देख लिया होगा रफेल पर ये लोग सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं ये सदन में चर्चा अर्थार्थ जेपीसी चाहते हैं परंतु राम को कोर्ट की खूंटी पे टांगे हुए हैं और वो भी जो सुने ना परंतु परिस्थिति ये हो गई कि आपकी आस्था अनास्था हो तो बात अलग है परंतु 100 करोड़ लोगों की आस्था अनास्था हो ये विडंबना है गणतंत्र की कुरूप हो चुके मंत्र की और अच्छे दिखने वाले यंत्र की और सियासत के हाथों ठगे गए लोकतंत्र की मैं एक बात गौरव भाई से कहना चाहता हूं आप हो गौरव भाई या देश की कोई भी सियासत हो मैं ये समझता हूं रोहित भाई कि अब किसी के हाथ में कुछ नहीं है बीजेपी चाहे तो बीजेपी कर सकती है किसी के हाथ में नहीं है इसमें रहमानी जी क्या करेंगे और वसीम ये भाई साहब क्या करेंगे जो बैठे हुए इनके किसी के हाथ में कुछ नहीं है पालनपुर में इतना कहा गया था कि मैं कानून का इंतजार नहीं करूंगा हम कानून लाकर बनाएंगे।